हेलो एवरीवन, पीसीएस इंश्योरेंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज का विषय है भारत का महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए। चलिए जानते हैं कि यह हाल ही खबर में क्यों है। हाल ही में महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए द्वारा वर्ष 2023-24 के पहले 5 महीनों के आंकड़े जारी किए गए। इसमें बताया गया कि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा पूरे साल के लक्ष्य का 36% तक पहुँच गया है। चलिए अब जानते हैं सीजीए के बारे में। तो इसका पूरा नाम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी महालेखा नियंत्रक है। ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है। ये तकनीकी रूप से समर्थ प्रबंधन लेखांकन प्रणाली की स्थापना और उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इसका मिशन एक व्यावसायिक लेखा संगठन के रूप में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में उत्कृष्टता के माध्यम से शासन को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य बजट भुगतान और लेखांकन के लिए एक प्रभावी विश्वसनीय और उत्तरदायी प्रणाली का प्रशासन करना है। चलिए अब नजर डालते हैं इसके कार्य पर। तो सीजीए कार्यालय केंद्र सरकार के लिए व्यय, राजस्व, ऋण और विभिन्न वित्तीय संकेतकों का मासिक और वार्षिक विश्लेषण तैयार करता है। संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत वार्षिक विनियोग खाते, सिविल और केंद्रीय वित्त खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों, रूपों और प्रक्रियाओं से संबंधित नीतियां तैयार करता है। ये केंद्र नागरिक मंत्रालयों या विभागों में भुगतान, प्राप्तियों और लेखांकन की प्रक्रिया का प्रबंधन करता है। ये संबंधित मंत्रालयों और विभागों में अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा इकाइयों के माध्यम से वित्तीय प्रदर्शन और प्रभावशीलता की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। ये सरकारी व्ययों के संवितरण और सरकारी प्राप्तियों के संग्रह के लिए बैंकिंग व्यवस्था का प्रबंधन भी करता है, जबकि केंद्र सरकार के शेष नकदी के समाधान के लिए केंद्रीय बैंक के साथ बातचीत करता है। सीजीए लोक लेखा समिति यानी पीएसी की रिपोर्ट्स के साथ साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट्स पर समन्वय और निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन की भी देखभाल करता है। चलिए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार है। दूसरा कथन, ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। और तीसरा कथन, ये सरकारी व्यय के संवितरण के लिए बैंकिंग व्यवस्था का प्रबंधन करता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ऑप्शंस है ए केवल एक, बी सिर्फ दो, सी सभी तीन या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। साथ ही बताइएगा कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।